दिल्ली सरकार के आपने एक मॉडल के बारे में जरूर सुना होगा। ये मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक मॉडल। वैसे तो आम आदमी पार्टी अपने हेल्थ केयर सिस्टम को सुप्रीम प्रूफ करती है और हमेशा ये भी क्लेम करती है कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जाना जाता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि यही मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली गवर्नमेंट का सुप्रीम मॉडल कहीं ना कहीं फर्जी टेस्ट कराता है और फर्जी दवाइयां लोगों को देता है। ये क्लेम उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसी के उल्टा आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है कि उनके मोहल्ला क्लिनिक में जो भी पेशेंट आता है उसे मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज और वो पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ यहाँ से जाता है। उनके पास हर एक पेशेंट का वेल मेंटेन रिकॉर्ड होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आपको बता दें कि CBI जांच अब इस पर बिठा दी गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। इसमें अब CBI जांच होगी, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है ये चेक करने के लिए हम दिल्ली के वसंत विहार के मोहल्ला क्लिनिक में आ गए हैं। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और दिल्ली वासियों से जानेंगे कि उन्हें यहाँ के कैसा लगता है, क्या वाकई उन्हें फर्जी टेस्ट, फर्जी दवाइयाँ मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं दिल्ली के इस मोहल्ला क्लिनिक में और दिखाते हैं आपको क्या है ग्राउंड रियलिटी। बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होता, फर्जी दवाई। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो कह रही हूँ मुझे तो भगवान मिल गया सच्ची में। तो इतने अच्छे मुझे यहाँ नहीं लगता है कि ऐसे लग घर की तरह एकदम। मेरी तो हालत ऐसी है कि वो क्या बोलते हैं मैं बोल नहीं पाती, वो लगाते हैं मैं तो बात ही नहीं कर पाती हूँ। और एकदम लगाएंगे और मुझे अभी सांस भी नहीं आ रही थी, बात करने का मूड नहीं था। मैं तो फैमिली की तरह एकदम आगे बैठ जाती हूँ और सभी लोग खड़े हो जाएंगे आके, फैमिली की तरह लगते हैं सभी। तो इतने डॉक्टर तो इतने अच्छे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सच्ची में। क्या नाम है आपका? सुचित्रा। सुचित्रा, आप यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का यहाँ पर कितनी बार आती हैं? मैं महीने में 3-4 बार आ जाती हूँ। मैंने भी 3-4 बार। कुछ आपका पैसे वगैरह लगते हैं आप यहाँ आते हैं तो? खर्चा नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं। हमने टेस्ट भी कराया, कोई एक रुपये भी नहीं है, पैसे नहीं लिए इन्होंने, फ्री में टेस्ट कराया हमारा। अच्छा, BJP की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि यहाँ पर फर्जी दवाइयाँ मिलती हैं और फर्जी टेस्ट करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी टेस्ट करती है। मेरे को थायराइड है और मैंने यहाँ पर थायराइड की दवाई लेती हूँ हमेशा, और थायराइड के मैंने टेस्ट बाहर से कराती हूँ, मेरे को बहुत महंगी पड़ जाती है, तो मैं यहाँ से कराई हूँ, एक रुपये भी नहीं लिए और मैं दवाई रेगुलर लेती हूँ उनसे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक कंप्लेंट बॉक्स भी है, तो कोई कंप्लेंट आपको लगता है कि जब आप यहाँ आते हो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं? नहीं, जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स में किसी ने कंप्लेंट डाला ही नहीं है। आप मानते हैं कि फिर अरविंद केजरीवाल सरकार जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की बात करता है वो है स्वास्थ्य में कुछ काम किया है इस सरकार ने? करा है, तभी तो आ रहे लोग, दवाई सही मिल रही है, मुफ्त इलाज है, और क्या चाहिए गरीब लोगों को। तो अभी जब दवा वा लेते हैं कुछ आपसे खर्चा पैसे वैसे कुछ? फ्री है। तो हम मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इस वक्त हैं, लोगों से आपने बातचीत की, लेकिन आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूम में यहाँ पर अटेंडेंस है, यहाँ से हमने बात भी की है अटेंडेंस से और आपको बताएंगे भी कैसे काम होता है। तो यहाँ पर इनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं डिजिटली और फिजिकली वो दोनों रजिस्टर में भी मेंटेन करके यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स का क्लिनिक आप देख सकते हैं, पेशेंट यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर चेकअप देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर मेडिसिन के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो फ्री मेडिसिन आम आदमी पार्टी क्लेम करती है वो यहीं पर दी जाती है। यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन को अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। तो कुछ इस तरह से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स का सेटअप है। चलिए आपको कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं और बताते हैं कि उन्हें कैसा लगता है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक आकर। डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर को दिखा के अच्छा लगा, प्यार से मिले डॉक्टर आपसे, दवा दी, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, दवा दिखाओ, क्या दवा दी डॉक्टर ने, दवा दिखाओ, दिखा दो कैमरा को, क्या दवा दी, ये दवा दी डॉक्टर, अरे दो दो दवा दे दी आपको डॉक्टर ने, पैसे लिए डॉक्टर ने आपसे? नहीं लिए, ऐसे ही दे दी। भाजपा सरकार ये कहती है कि आम आदमी पार्टी का ये जो मॉडल है ये फर्जी है, इसमें घोटाला हुआ है और जो यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं जो टेस्ट कराते हैं फर्जी है। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि ये लोग तो ऐसा शायद गलत दवा दे रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, या तो देखिए हम लेके गए हैं, अपने सामने की बात है, हमको दवाई मिली है, पीने के शीशी मिली है, हमने पिया, 2 दिन मेरे का आराम हुआ, जब ही तो हम आते ही मेरी मिसी से ही इसी मारा दवाई लेने आए।
मेरे लड़के को भुका रहे हैं, खून टेस्ट करवाया, सब कुछ फ्री है, अभी इलाज चल रहा है उसका। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने यहीं से चेकअप करवाया था सारा, मोहल्ला क्लिनिक से, सब फ्री था। आपसे कोई पैसे नहीं लगे? नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं है। और मेरे तो ये तो जब बाहर चलो ना, जब पता लगता है कि गठरियाँ जाती हैं, मेरा कोई पैसा नहीं है। और बहुत इतने अच्छे से करे थे, सबसे बड़ी बात है सुबह खुन जाता है, अपने दवाई लेके काम पे भी निकल जाओ। तो हम आए थे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पर फर्जी दवाइयाँ मिलती हैं, फर्जी टेस्ट होते हैं, लोगों का क्या मानना है, ये हम उनसे जानने आए थे। तो आपको दिखाया हमने, कैसा आपको लगा, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।